काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे संक्षेप में BHU भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय को एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। वास्तव में इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव हासिल है। विश्वविद्यालय का अपना हेलीपैड भी और अपनी अलग सुरक्षा व्यवस्था भी है। इसके प्रांगण में विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर भी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 के अंतर्गत हुई थी। मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रारंभ 1904 में किया, जब काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में संस्थापकों की प्रथम बैठक हुई। 1905 में विश्वविद्यालय का प्रथम पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 1300 सेकंड अधिक एकड़ में फैला हुआ है। BHU को बनाने के लिए वाराणसी के शासक ने भूमि को दान किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक और कैंपस है जो मिर्जापुर जिले में बारकच्छा नामक जगह पर मुख्य परिसर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्वविद्यालय में मुख्य 4 इंस्टीट्यूट है जिनमें 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्री गणेश 1904 में किया, जब काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में संस्थापकों की प्रथम बैठक हुई। 1905 में विश्वविद्यालय का प्रथम पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ। जनवरी 1906 में कुंभ मेले में मालवीय जी ने त्रिवेणी संगम पर भारत भर से आ ये जनता के बीच अपने संकल्प को दोहराया। कहा जाता है वहीं एक वृद्धा ने मालवीय जी को इस कार्य के लिए सर्वप्रथम एक पैसा चंदे के रूप में दिया। एनी बेसेंट काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना में आगे बढ़ रही थी। इन्हीं दिनों दरभंगा के राजा महाराज रामेश्वर सिंह भी काशी में शारदा विद्यापीठ की स्थापना करना चाहते थे। इन तीन विश्वविद्यालयों की योजना परस्पर विरोधी थी, अतः मालवीय जी ने बेसेंट और महाराज रामेश्वर सिंह से परामर्श कर अपनी योजना में सहयोग देने के लिए उन दोनों को राजी कर लिया। फलस्वरूप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की 15 दिसंबर 1911 को स्थापना हुई, जिसके महाराज दरभंगा अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रमुख बैरिस्टर सुंदरलाल, सचिव महाराज प्रभु नारायण सिंह, मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट सम्मानित सदस्य थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सर हारकोर्ट बटलक के प्रयास से 1915 ही में केंद्रीय विधानसभा से हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्ड जट ने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी। 4 जनवरी 1916 वसंत पंचमी के दिन समारोह वाराणसी में गंगा तट के पश्चिम रामनगर के समानांतर महाराज प्रभु नारायण सिंह द्वारा प्रदत्त भूमि में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। उक्त समारोह में देश के अनेक गवर्नरों, राजे रजवाड़ों तथा सामंतों ने गवर्नर जनरल एवं वायसराय का स्वागत और मालवीय जी से सहयोग करने के लिए हिस्सा लिया। अनेक शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं समाजसेवी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गांधी जी भी विशेष निमंत्रण पर पधारे थे। अपने वाराणसी आगमन पर गांधी जी ने बेसेंट की अध्यक्षता में आयोजित सभा में राजा रजवाड़ों, सामंतों तथा देश के अनेक गण्यमान्य लोगों के बीच अपना वह ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें एक ओर ब्रिटिश सरकार की और दूसरी ओर हीरे जवाहरात तथा सरकारी उपाधियों से लदे देशी रियासतों के शासकों की घोर भर्त्सना की गई थी। बेसेंट द्वारा समर्पित सेंट्रल हिंदू कॉलेज में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधिवत शिक्षण कार्य 1 अक्टूबर 1917 से आरंभ हुआ। 1916-6 में आई बाढ़ के कारण स्थापना स्थल से हटकर कुछ पश्चिम में 1300 एकड़ भूमि में निर्मित वर्तमान विश्वविद्यालय में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ और फिर आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि का निर्माण हुआ। 1921 सेकंड विश्वविद्यालय की पूरी पढ़ाई कमच्छा कॉलेज से स्थानांतरित होकर नए भवनों में होने लग। इसका उद्घाटन 13 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 101 साल पहले 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तब इसका कुल मिलाकर एक ही कॉलेज था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और आज यह विश्वविद्यालय 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें 100 सेकंड भी अध का विभाग है। इसे एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव हासिल है। महामना पंडित मालवीय के साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एनी बेसेंट ने भी विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबे समय तक विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। परिसर के भीतर विशालकाय भवन हैं, जिनमें कक्षाएं चलती हैं। विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइन आर्ट्स, संगीत, संस्कृत शोध विभाग आदि के लिए अलग अलग इमारतें हैं।
विश्वविद्यालय के पास निजी संचार प्रणाली, प्रेस, कंप्यूटर नेटवर्क, डेयरी, कृषि फार्म, कला व संस्कृति संग्रहालय और विशालकाय सेंट्रल लाइब्रेरी हैं। लाइब्रेरी में 10 लाख से भी अधिक पुस्तकें, पत्रिकाएं, शोध रिपोर्ट और ग्रंथ आदि हैं। विश्वविद्यालय का अपना हेलीपैड भी और अपनी अलग सुरक्षा व्यवस्था भी है। विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री भी हासिल की जा सकती है। इसके प्रांगण में विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर भी है। विशाल सर सुंदरलाल चिकित्सालय, गौशाला, प्रेस, बुक डिपो एवं प्रकाशन, टाउन कमेटी, स्वास्थ्य, स्टेट बैंक की शाखा, पर्वतारोहण केंद्र, NCC प्रशिक्षण केंद्र, हिंदू यूनिवर्सिटी नामक डाकखाना एवं सेवायोजन कार्यालय भी विश्वविद्यालय तथा जनसामान्य की सुविधा के लिए इसमें संचालित हैं। इस विश्वविद्यालय के दो परिसर हैं। मुख्य परिसर 1300 एकड़ वाराणसी में स्थित है। मुख्य परिसर में 3 संस्थान, 14 संकाय और 124 विभाग है। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकच्छा नामक जगह 2700 एकड़ पर स्थित है। परिसर के भीतर 14 अलग अलग संकाय हैं। इनमें एक महिला कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कृषि संकाय भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय में 6 विषयों के एडवांस्ड स्टडी सेंटर भी हैं। ये विषय हैं बॉटनी, जूलॉजी, मेटलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी और माइनिंग। विश्वविद्यालय में 49 छात्रावास हैं, जिनमें से 35 लड़कों के लिए और 14 लड़कियों के लिए हैं। कई नए छात्रावास भी निर्माणाधीन अवस्था में हैं। यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तुलना IIT से की जाती है। प्रवेश भी IIT की परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होता है।